नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। IRCTC मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई ही हुई, जहां पर आरोपियों की तरफ से चार्ज फ्रेम करने पर बहस की गई। हम आपको बताते चले कि पिछली जो सुनवाई हुई थी वो 31 जुलाई को हुई थी, जहां पर 7 अगस्त का दिन रखा गया था। आज चार्ज फ्रेम करने वाले आरोपियों की तरफ से बहस की जानी थी और अब बहस हो चुकी है और इस मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को की जाएगी। हम आपको बताते चलें कि पिछले सुनवाई में लालू प्रसाद के वकील ने कहा था कि ऐसे हाई प्रोफाइल केस में CBI के पास ठोस सबूत होने चाहिए, लेकिन CBI ने कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं किया। इस वजह से इस मामले को यहीं पर खत्म करना चाहिए, लेकिन वहीं पर जो सरकारी वकील हैं उन्होंने ये बात कही है कि लालू प्रसाद यादव जो है जमीन के बदले नौकरी दे रहे हैं। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में कई सारे लोगों को की पेशी होनी थी, लेकिन CBI के पास कोई ठोस सबूत नहीं रहने की वजह से अगली सुनवाई 7 तारीख को होनी थी, लेकिन आज आरोपियों की तरफ से चार्ज फ्रेम करने पर बहस की गई और इसकी अगली सुनवाई 16 अगस्त को की जाएगी। इस मामले में CBI के वकील ने कहा कि पॉलिसी बदलने के मामले में लालू प्रसाद यादव की दखलंदाजी थी। ये पूरा मामला उस समय का है जब देश के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। उस समय रेलवे बोर्ड ने देश के सभी होटलों और ट्रेनों में कैटरिंग सेवा IRCTC को सौंप दिया था। इसी दौरान रांची और उड़ीसा के होटलों के टेंडर में गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जिसके बाद CBI ने इस मामले में लालू प्रसाद समेत अन्य कई लोगों पर चार्जशीट दाखिल की। गौरतलब है कि साल 2004 से 2009 के बीच लालू यादव रेल मंत्री थे। उस समय इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के जरिए रांची और पुरी में चलाए जाने वाले दो होटलों की देखरेख का काम अचानक सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को दे दिया गया। विनय और विजय कोचर इस कंपनी के मालिक थे और सुजाता होटल्स ने इसके बदले में कथित तौर पर लालू यादव को पटना में 3 एकड़ जमीन दे दी, जो बेनामी संपत्ति थी। वहीं 2006 में रांची और उड़ीसा के पुरी में IRCTC के दो होटलों के ठेके पटना में एक भूखंड स्थान पर 3 एकड़ के वाणिज्यिक भूखंड के रूप में रिश्वत में शामिल एक निजी फर्म को आवंटित करने में कथित अनियमितताएं थी, जिसके बाद ED ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।